हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यमी कुकिंग होम में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का कलौंजी। तो मैंने फ्रेश बैंगन लिया है, उसे मैंने वॉश कर लिया है। अब हम उसे इस तरीके से कट करेंगे, आप लोग भी इसी तरीके से कट कीजिएगा। तो सारे बैंगन को मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया है, उसमें मैंने सारे बैंगन को ऐड कर दिया है। अब हम उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च। अब हम उसे मिला लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब हम उसमें बैंगन ऐड करेंगे। तो अब हम बैंगन को पलट लेंगे। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से फॉलो करके आप सारे बैंगन को पका लीजिए। तो मैंने पका लिया है सारे बैंगन को। अब हम फिर से कढ़ाई गर्म होने के लिए देंगे। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिया है। सरसों का तेल मैंने उसमें ऐड किया है, जीरा। तो जीरा जब तक मेरा ब्राउन हो जाता है तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जीरा मेरा जल चुका है, उसमें मैंने पत्रज ऐड किया है, हरी मिर्च, प्याज। अब हम उसे चला लेंगे। तो ये देखिए अब हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम फिर से उसे चला लेंगे। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से टमाटर भुन चुका है। अब हम उसमें सरसों और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मैंने पहले से तैयार करके रखा था। अब फिर से हम उसे चला लेंगे। तो इसी तरीके से आपको 10 मिनट तक इस मसाले को भूनना है, जब तक ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से भून चुका है। अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिर्च पाउडर। अब हम उसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम फिर से उसे चला लेंगे। ये देखिए मेरा मसाला इस तरीके से भून चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे। आप गाढ़ा पतला जैसे भी आप रखना चाहते हो उस तरीके से आप रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम उसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक मेरा उबाल ना आ जाए। अब हम उसमें बैंगन ऐड करेंगे, मेरा उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए मैंने उसमें बैंगन ऐड कर दिया है। फिर से हम उसे उबाल आने देंगे। अब हम उसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अब फिर से हम उसे चला लेंगे। एक सेकेंड के लिए हमें उसे तवे पर ही रखना है। अब उसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।